Hello students, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. So in our previous video we have discussed the hard questions of chapter number 2 polynomials class 9th. So those students who have not watched that video, they can watch, and the description is given in the I link. You can just click over there. So today my topic is chapter number 1, number system. So today I am going to discuss the hard question, or the questions which are very important from the examination point of view of this chapter. So these are quite difficult questions. So we will discuss these questions today. So let's start now. So students, my first question is, evaluate 1 upon square root 2 plus 1 plus 1 upon square root 3 plus square root 2 plus 1 upon square root 4 plus square root 3 up to so on to 1 upon square root 9 plus square root 8. So is question ko hum kaise simplify karenge, just see now. Now first of all, what do you observe? Yahan pe ek cheez dekh ke aapko pata chal raha hai ki in the every term the denominator contains an irrational number. तो आपका यहाँ पे जो आपका chapter number 1 है उसमें main चीज़ जो आपको यही ध्यान रखना है कि whenever you are solving any term which is having irrational number in the denominator, then you have to rationalize it. So आपका first step है, आप उसी को number को rationalize कर दोगे. और rationalize करने के लिए क्या rule होता है, simply यहाँ पे जो आपके दो टर्म्स के बीच में जो भी साइन है, इफ दिस इज प्लस देन यू हैव टू टेक माइनस. मतलब आप ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे जो इसका रिवर्स साइन कंटेन करती हो. सो लेट अस सी हाउ. सो जैसे हमारी फर्स्ट टर्म है रूट टू प्लस वन, तो यहाँ पे बीच में हमारी टर्म है प्लस, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई और रूट टू माइनस वन से डिवाइड. इस स्टेप को हम रैशनलाइजिंग बोलते हैं. और इस स्टेप को करने से एक्चुअल में क्या, ये क्यों करते हैं, इसका रीज़न समझ लीजिए आप. यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर में जब आपका प्लस होगा, अगर इधर माइनस होगा, तो ये एक्चुअल में आइडेंटिटी बन जाती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. और इसकी वजह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और आपको पता है कि जब भी हम किसी रैशनलाइज या इरेशनल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है. और हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट रिमूव ही तो करना है. हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है. रैशनल मतलब रियल नंबर कुछ भी हो, तो वो बनाना है हमें, इरेशनल रिमूव करना है. तो जब हम इसकी रैशनलाइजिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो आप देख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर होगा तो वो टू हो जाएगा. रैशनलाइजिंग करने से हमारा डिनोमिनेटर रियल नंबर बन जाएगा. सेम यहाँ पे आपको सेम स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है, वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू इनटू. अब यहाँ पे भी आपका स्क्वायर रूट थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, देखिए बीच में प्लस है, सिर्फ आपको उसके अपोजिट साइन लेना है. तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट थ्री माइनस रूट टू, तो ये आ गया. सेम ऐसी स्क्वायर रूट फोर प्लस स्क्वायर रूट थ्री है, तो इसको हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई. बस आपके दो टर्म के बीच में जो भी साइन है ना, आपको सिर्फ उसको अपोजिट साइन लेना है और उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है और उसी सम से डिवाइड कर देना है. तो अप टू सो ऑन टू जस्ट टेक द लास्ट टर्म, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ नाइन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ नाइन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एट. सो वॉट डू यू ऑब्जर्व, वन इंटू दिस विल बिकम स्क्वायर रूट टू माइनस वन, एंड इन द डिनोमिनेटर इट विल बिकम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सेम वन इंटू दिस विल बिकम रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम रैशनलाइज क्यों करते हैं. अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस वाले से करते हैं. ऐसा करने से हमेशा हमारा डिनोमिनेटर में यही फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. नेक्स्ट स्टेप करेंगे रूट फोर माइनस रूट थ्री अपॉन स्क्वायर रूट फोर होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर. और इसी तरह से हम अपनी एंड वाली टर्म पे चले जाएंगे. जो हमारी एंड वाली टर्म थी वो क्या है, स्क्वायर रूट नाइन माइनस स्क्वायर रूट एट अपॉन, यहाँ पे भी हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूले से हमारे पास वही बन जाएगा, रूट नाइन का स्क्वायर माइनस रूट एट का स्क्वायर.
अब यहाँ पे है रूट टू माइनस वन, ध्यान से देखिए रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू माइनस वन, ये हो जाएगा बच्चे थ्री माइनस टू, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट टू का स्क्वायर टू, सेम रूट फोर माइनस रूट थ्री अपॉन फोर माइनस थ्री, प्लस अप टू सो ऑन टू रूट नाइन माइनस रूट एट अपॉन नाइन माइनस एट। तो आप देख सकते हो कि जो आपके सारे टर्म्स में नीचे इरेशनल नंबर कंटेन कर रहे थे, रैशनलाइज करने से आपकी वो जो वो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। सो जस्ट सॉल्विंग इट नाउ, जस्ट सी इन एवरी टर्म द डिनोमिनेटर हैज़ बिकम वन वन, ये भी वन 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 वन, तो हमें वन नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी बिकॉज टू अपॉन वन जैसे टू ही होता है, तो सेम दिस अपॉन वन यही आएगा, तो हमारा टर्म बिल्कुल सिंप्लीफाइड होके ये आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है, आपको कैंसिल यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ, जो सारी टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो रही हैं। देखिए रूट टू से माइनस रूट टू कैंसिल हो गया, रूट थ्री से माइनस रूट थ्री कैंसिल हो गया, इसके बीच में बहुत सारी टर्म है जो इसमें नेक्स्ट टर्म आएगी। देखिए जैसे यहाँ रूट फोर माइनस रूट थ्री आई है, तो ऐसी नेक्स्ट टर्म आएगी रूट फाइव माइनस रूट फोर, तो रूट फोर माइनस में आएगा और ये रूट फोर प्लस में, तो वो भी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऐसे सारी टर्म आ जाएगी कैंसिल होके। और इससे पहले रूट नाइन माइनस रूट एट है, तो पक्का यहाँ पे इससे पहले आपका अगर मैं लिखना चाहूँ तो इससे पहले मेरा रूट एट माइनस रूट सेवन आया होगा, आप देख सकते हो, जैसे इस टर्म को देख सकते हो कि फोर और थ्री है तो इससे पहले थ्री और टू आया है, तो अगर नाइन एट एट है तो यहाँ पे एट और सेवन आया होगा, समझ रहे हैं ना यहाँ पे बात, तो यहाँ पे आप ये एक्चुअल में कैंसिल हो गया होगा और सेवन पहले भी कैंसिल हो चुका, मतलब सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा माइनस वन बचेगा और क्या बचेगा प्लस स्क्वायर रूट नाइन बचेगा। अब नाइन का स्क्वायर रूट सबको पता है कितना होता है थ्री, क्योंकि थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन, सो नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है थ्री, माइनस वन प्लस थ्री कितना आंसर आ गया टू, सो दिस इज़ आवर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड दी वैल्यू ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू माइनस वन करेक्ट टू द थ्री डेसिमल प्लेसेस इफ स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू 1.414 एंड स्क्वायर रूट सिक्स इज इक्वल टू 2.45। तो यहाँ पे हमें पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, और डेफिनेटली अगर आपको ये दो टर्म्स की वैल्यू दे रखी है तो ये नहीं है कि इसका मतलब आपने इसको वैल्यू को पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिंप्लीफाई दिस टर्म एंड देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट टू एंड स्क्वायर रूट सिक्स। अभी हमें स्क्वायर रूट सिक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट सिक्स कहीं ना कहीं आएगा, लेट अस सी हाउ। सो जस्ट सॉल्विंग इक्वेशन नंबर टू, इट इज वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू माइनस वन। अब यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, सो आई टोल्ड यू दैट हाउ टू सॉल्व इट, वी विल डू इरेशनलाइजिंग, बट प्रॉब्लम इज दैट इन रैशनलाइजिंग वी आर हैविंग टू टर्म्स, यहाँ पे तो हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, तो कैसे करेंगे इसको। सो ये नया पॉइंट है, इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम क्या करेंगे इसको टू टर्म्स में चेंज कर लेंगे, मतलब आप क्या करिए यहाँ पे माइनस माइनस है ना दोनों, तो आप क्या करो यहाँ पे पेयर बना लो, या तो फर्स्ट टू टर्म्स को इकट्ठे लिख लो और या माइनस वन ऐसे लिख दो, या फिर आप क्या कर सकते हो देखो इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लो, अंदर बनेगा रूट टू प्लस वन। मतलब आपने क्या करना है, या तो फर्स्ट टू का पेयर बना लो या लास्ट टू का पेयर बना लो, ऐसा बनाने से अब आपको ये जो टर्म है एक्चुअल में थ्री टर्म्स ही, वो एक तरह से आपको दो टर्म्स ही दिख रही हैं, और इस तरह से आपको रैशनलाइज करना इजी हो जाता है, क्योंकि रैशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वी हैव टू जस्ट चेंज द साइन विच इज़ हैविंग इन टू टर्म्स के बिटवीन जो भी टर्म है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको रैशनलाइजिंग करेंगे तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये ध्यान जरूर रखना है आपने कि इसका साइन नहीं चेंज करना, सी दिस इज ए माइनस बी, तो ये पूरा बी है,
इसको नहीं चेंज कर सकते आप, बी विल रिमेन सेम, सिर्फ ए माइनस बी है ना, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई, ए प्लस बी से डिवाइड, तो ए प्लस बी, बी विल रिमेन सेम, यू विल नॉट चेंज द साइन ऑफ दीज टू नंबर्स, सो ये आ जाएगा, सो इससे मल्टीप्लाई किया और सेम इसी से ही डिवाइड करना है। कई बार बच्चे यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है एग्जाम टाइम में। सो नेक्स्ट सी, वन को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन द डिनोमिनेटर, बट इन डिनोमिनेटर व्हाट डज इट बिकम, दिस इज ए माइनस दिस इज बी एंड दिस इज ए प्लस बी, सो व्हाट डज इट बिकम, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा। अभी देखिए, रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन अपॉन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा और यहाँ पे रूट टू प्लस वन एक्चुअल में हमारा डायरेक्ट नहीं ओपन होगा, ये हमारा किस टाइप का दिख रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम पूरा ए प्लस बी होल स्क्वायर का, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आ जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन अपॉन थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या होता है टू, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, टू रूट टू इंटू वन क्या आ जाएगा टू रूट टू, क्लियर है, तो ये आपका ये स्टेप आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन अपॉन थ्री माइनस, ब्रैकेट के अंदर टू प्लस वन है जिसको हम ऐड करेंगे तो थ्री बन जाएगा, तो नेगेटिव साइन है, तो आपको पता है नेगेटिव साइन क्या करता है, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है वो सारे साइन को अंदर चेंज कर देगा, तो ये थ्री हमारा नेगेटिव हो जाएगा मतलब माइनस थ्री, और यहाँ प्लस था तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस टू रूट टू आ जाएगा, तो थ्री से थ्री क्या हो चुका है हमारा कैंसल हो चुका है, तो ये हमारा बचा है रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन अपॉन माइनस टू रूट टू। अब प्रॉब्लम ये है कि रैशनलाइज किया तब भी हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर ही आ रहा है, अब इसको फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें, फिर से रैशनलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, वही जिस जो हमारे डिनोमिनेटर में टर्म है उसका अपोजिट साइन लेना होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आपने, अब आपकी यहाँ पे टू टर्म्स नहीं है जैसे यहाँ आते, यहाँ पे अब सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म में आप की मर्जी आप साइन यहाँ पे चेंज करके करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं भी चेंज करना चाहते, सपोज़ अगर कोई बच्चा चाहता है माइनस टू रूट टू से ही मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू रूट से ही टू रूट टू से डिवाइड कर दो, तो भी आपका सेम रहेगा। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं वही रूल अप्लाई कर रही हूँ, जैसे हर एक में साइन जो है चेंज करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, या नेगेटिव है ना तो आप मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, रूल मैं सेम रखूँगी सारे क्वेश्चन में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बट मैं वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर कोई बच्चा यहाँ माइनस टू रूट टू से मल्टीप्लाई करे और माइनस टू रूट टू से डिवाइड करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन वो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, और नहीं तो अपना सिंपल फंडा याद रखो कि अगर आपका रैशनलाइजिंग करना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, साइन को अपोजिट लेना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन इंटू टू रूट टू अपॉन माइनस प्लस क्या होता है माइनस, टू रूट टू इंटू टू रूट टू क्या आ जाएगा टू रूट टू का स्क्वायर, तो ये हमारा बन चुका है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू हमारा आगे आ जाएगा, टू रूट टू को आगे लिख दीजिए और ये हमारी पूरी ब्रैकेट ऐसे ही है, रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन, टू का स्क्वायर क्या होता है फोर और रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू। अभी देखिए जो टर्म हमारी कैंसिल हो सकती है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारा कैंसिल हो चुका है, तो माइनस वन बाय फोर बचेगा, इस रूट टू को आप अंदर शिफ्ट कर देंगे तो रूट टू इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा रूट सिक्स, रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर दैट इज़ टू
और रूट टू प्लस इंटू वन कितना हो जाएगा, रूट टू। तो फाइनली मेरा सॉल्व करके ये आया है टर्म जिसमें मेरे डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है। तो सॉल्व करके ये आया, अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, इसमें इसका आंसर निकालना है करेक्ट टू 3 decimal places और यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू दे रखी है। अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है मैं उस वैल्यू को सॉल्व करने वाली हूँ। तो स्क्वायर रूट 6 की जो वैल्यू दे रखी है वो मैं पुट कर दूँगी, दैट इज़ 2.45 प्लस 2 एज इट इज प्लस स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.414। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके आ जाएगा 4 और 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 और 4 और 4 हो जाएगा 8 पॉइंट 2 प्लस 2 इज 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा ये आ रहा है इसको ऐड करके 2.452 और 1.414। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आप 4 से कटिंग भी कर सकते हैं, 1. इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16 और 26, 4 6 24। तो हमारा आंसर आ रहा है -1.466। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जिन बच्चों को डिवाइड करना आता है इजीली डिवाइड हो जाएगा, कटिंग भी कर सकते हो आप, डायरेक्टली पूरा कट हो जाएगा आपका। तो हमें 3 decimal places तक निकालना था, तो डेसिमल के पास आप देख लीजिए 3 decimal places आएंगे, तो इसका आंसर आया -1.466। प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2/√5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 माइनस रूट 5 इक्वल्स टू 0। सो आपको देख यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हर एक टर्म है उसमें आपका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। तो हम फर्स्ट स्टेप में ही फटाफट से इसको रैशनलाइज कर देते हैं। यहाँ प्लस साइन है तो ऑब्वियसली हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। सेम यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारा। और लास्ट जो हमारी टर्म है वो है 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो इसको भी हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा। ये सारे एक्सप्लेनेशन हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 1 into this आ जाएगा 2 minus root 3 अपॉन, ये वही फॉर्म बन चुकी है a + b into a - b। सो दिस इज गोइंग टू बी a² - b² प्लस 2 into √5 + √3 अप॑ a + b into a - b, दैट इज गोइंग टू बी a² - b² सो बिल्कुल ही सेम उसी तरीके से करवा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है 2 + √5 / 2² - √5² a² - b² सारी जगह एक ही एंट्री यूज़ की हमने, तो हमारा जो सॉल्व क्या आएगा वो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। यहाँ पे 2 into √5 + √3 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। नेक्स्ट स्टेप में 2 + √5 / 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5। तो ये 4 - 3 सॉल्व होके 1 आएगा। वी डोंट नीड टू राइट डाउन द 1 इन द डिनोमिनेटर बिकॉज 2/1 जैसे हमारा 2 होता है तो दिस अपॉन 1 भी यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, ये हमारा 5 - 3 2 आ जाएगा और ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसल, और ये 4 - 5 क्या आने वाला है मेरा -1। तो -1 + - क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं ये डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगी, 4 - 5 - 1 आएगा ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब बस इसको सॉल्व कर देना हमने, तो ये तो प्लस साइन है ना बाहर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब इसको ओपन करेंगे तो साइन सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा, ये ध्यान से देखिए आपकी सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये 2 + में, ये 2 - में, ये -√3, ये + √3, ये √5, ये -√5। तो क्या आंसर आ गया 0, वही प्रूफ करना था आपने, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 3√45 - √125 + √200 - √50।
अब यहाँ पे जो आपको टर्म्स दिख रही हैं स्क्वायर रूट के अंदर, वो सारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है, जिनका स्क्वायर रूट करके डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है वो एक रियल नंबर आ जाए। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, लेकिन इसका डायरेक्ट नहीं आता। तो कई स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सॉल्व करने बैठ जाते हैं। इसको सॉल्व नहीं करना है, स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व करना है आपने यहाँ 45 का, 125 का, 200 का। इसके लिए देखिए क्या करना है आपने, पहले 45 है तो यहाँ हम 45 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 45 2 के टेबल पे तो जाता नहीं है, 3 के टेबल पे जाएगा 15 पे, 3 के टेबल पे 5 पे, एंड 5 अंदर 5। ये आप सब आपने कर रखे हैं छोटी क्लासेस में। ऐसे 125 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 5 के टेबल पे जाता है 25 पे, 5 के टेबल पे 5 पे, और 5 के टेबल पे ये 1 पे। नेक्स्ट ऐसे 200 के फैक्टर्स, पहले जितने भी नंबर्स उसके फैक्टर्स बना लीजिए। ये चला गया 100 पे, ये 50 पे, ये 25 पे, ये 5 पे, और ये हमारा क्या आ गया 5 पे। लास्ट नंबर हमारा 50, तो ये आ गया 25 5 5। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो आपने 8th स्टैंडर्ड में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर किया था, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट में हमें 2-2 के पेयर्स बनाने होते हैं। तो जिन नंबर्स के 2 पेयर्स बन रहे हैं आप उनके पेयरिंग कर लीजिए, और जो सेपरेटली अकेला बचेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको पता है 3 है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अगर इन दोनों नंबर्स का पेयर बनाया तो एक पेयर में से एक बाहर निकल आएगा 3, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 3 × 3 × 5 है। तो पेयरिंग बना के वो नंबर जिसका पेयर बन जाता है वो नंबर आउट हो जाता है स्क्वायर रूट से, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, और एक 3 ऑलरेडी पड़ा था। तो हमारा यहाँ पे आपने जब भी ऐसे करना है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस नंबर की पेयरिंग बन रही है उस नंबर को हमने स्क्वायर रूट से बाहर ले लेना होता है। तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 5 जो है हमारा अकेला स्क्वायर रूट में रह जाएगा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ऐसे ही सेम नेक्स्ट 125 पे जाते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर 5 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो जिसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 5 सेपरेटली अंदर आ जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्या है, एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 5 का पेयर बन रहा है, तो एक 2 और एक 5 बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा 2। माइनस 50 है तो 50 में आप देख सकते हो 5 का एक पेयर बन रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 2। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन के स्क्वायर रूट्स नहीं सॉल्व करने, इसके फैक्टर्स बना के इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देना है। आगे सॉल्व करेंगे, 3 × 3 आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 5 द 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 2। क्लियर है? अब इन दोनों में से ये आपकी लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मतलब जो देखने में सेम लगी। देखिए दोनों के साथ रूट 5 है, अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ नहीं आता तो आप वैसे भी देख लीजिए, इन दोनों में से आप दोनों टर्म्स में से यू कैन टेक कॉमन स्क्वायर रूट 5, अंदर क्या बचेगा 9 माइनस 5, एंड सिमिलरली यू कैन टेक कॉमन स्क्वायर रूट 2, अंदर क्या बचेगा 10 माइनस 5। अब 9 माइनस 5 क्या होता है 4, तो ये आ जाएगा 4 √5। ऐसे 10 माइनस 5 क्या होता है 5 √2, 10 माइनस 5 5 आता है तो क्या आ जाएगा 5 √2। हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि पहले आपने रियल नंबर लिखना होता है और फिर इरेशनल नंबर लिखना होता है। तो अभी हमारा आंसर यही रहेगा, इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसका ध्यान आपने बस ये रखना है, आपने आंसर वहीं लिखना है आपका आंसर आ जाएगा जहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर ना हो। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, प्लीज़ नोट डाउन। फ्रेंड्स दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए माइनस ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √a − 1/√a। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो एक्चुअल में √a − 1/√a है। इसको डायरेक्टली नहीं हम सॉल्व करेंगे, इसको इनिशियली हम स्क्वायर लेके चलेंगे यहाँ पे। सो √a − 1/√a का होल स्क्वायर लेके चलेंगे। तो पहले हम इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × a × b।
तो हमने पहले इसका होल स्क्वायर लेके चले हैं, बाद में इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा सॉल्व करके आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यूजिंग द आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, रूट ए का स्क्वायर कितना आ गया, ए प्लस वन बाय ए माइनस टू आ गया। क्लियर है? तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर आप इसकी वैल्यू देखिए तो ये a है, हम सिर्फ 1 बाय इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। a की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ मुझे 1 बाय a निकालना है। तो मैं यहाँ से पहले 1 बाय a निकाल लेती हूँ। तो 1 बाय a की वैल्यू मतलब 1 अपॉन 5 माइनस टू रूट 6। तो क्या करेंगे, आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस टू रूट 6 है, सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 प्लस टू रूट 6 अपॉन 5 प्लस टू रूट 6 विच इज़ गोइंग टू बी 5 प्लस टू रूट 6 अपॉन, फाइनली इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट द फॉर्मूला 5 स्क्वायर इज 25। सो ये आ जाएगा 5 प्लस टू रूट 6 अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 विल बिकम 24 एंड 25 माइनस 24 इज गोइंग टू बी 1। सो इसको 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसकी वैल्यू सॉल्व आउट कर ली है, 1 अपॉन ए की क्या वैल्यू आई है 5 प्लस टू रूट 6 सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो हम अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन वन मेरी ये चल रही थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड 1 बाय ए, ए इज 5 माइनस टू रूट 6 प्लस 1 बाय ए इज 5 प्लस टू रूट 6। क्लियर है? ये है आपका a की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी है 1 बाय a की, आपने सॉल्व कर ली है। साथ में क्या चल रहा है माइनस टू, सो यहाँ से हमारे पास टू रूट 6 माइनस में और ये किस में है प्लस में, तो ये क्या हो गया कैंसल। 5 प्लस 5 क्या हो गया 10, 10 माइनस टू कितना हो गया 8। तो यहाँ से रूट a माइनस 1 बाय रूट a की वैल्यू, यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, मतलब 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 में से हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे, वी कैन टेक कॉमन 2, तो 2 रूट 2 इसका क्या आ जाएगा आंसर। प्लीज़ नोट डाउन, यहाँ पे ये बस ये ध्यान रखना है कि वही चीज़ है आपने बच्चे, जब भी यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर डायरेक्ट हो विदाउट स्क्वायर रूट हो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इनिशियली यहाँ पे रूट ए प्लस 1 बाय रूट ए हो तब भी आप यहाँ पे रूट ए प्लस 1 बाय रूट ए का होल स्क्वायर लेकर चलेंगे। प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस related to this chapter that we have done today. These are the hots question, or these are very important from the examination point of view. In our next video, I will discuss some more questions of this chapter. So these are the two questions that I have given you for do it yourself. You can do the practice, and this time I have given the answers also so that you can just check your answer whether you have done it correctly or not. If you are not able to solve it, then please do mention in the comment box. Thank you so much for watching Alisha Maths Classes. Thank you all.